वेलकम टू पंजाब न्यूज़ लाइव। किसान बिल नूं लै के पंजाब विच किसान जथेबंदियां वल्लों रेलवे लाइनां अते सड़कां ते धरना लगाया जा रहा है। उन्हां दा कहना है कि जदों तक यह बिल वापस नहीं ले जाते उदों तक यह संघर्ष जारी रहेगा। अज रूपनगर विच चंडीगढ़ उन्ना हाईवे ते स्थित सोलखिया टोल प्लाजा ते किसान जथेबंदियां ने धरना प्रदर्शन किया। उन्हां द्वारा सारियां गड्डियां बिना टोल दिते मुफ्त विच ही कढ़णियां शुरू कर दित्तियां। किसानां दा कहना है कि इन्हां धरनियां दा मकसद वड्डे वड्डे कारपोरेट घराणे अंबानी अडानी जिहे अदारे जो केंद्र दी मदद नाल लोकां नूं लुट रहे हन, असीं उन्हां दी आमदन दा साधन बंद करना है तां जो किसानां दी गल केंद्र तक पहुंच सके। सरकार नूं जगाउणा चाहुंदे आ वी जाग जा, दिन पर दिन हालात खराब हुंदे जांदे आ, इस करके नहीं तो जिहड़ा आउण वाला तेरा टाइम बहुत खराब होऊंगा। कैप्टन सरकार नूं भी बेनती करदे आ वी जिहड़ा तुसीं बयान दित्ता है उदण दा बहुत वधिया माहौल चल रिहा है वी रेल गड्डियां नूं लंघण दो, असीं बिल्कुल नहीं लंघण देणियां रेल गड्डियां। कणकां असीं भी जिमीदार, असीं भी डाया पाउणा, असीं भी यूरिया पाउणा, इस करके असीं बिल्कुल नहीं लंघण देना। यह मोदी सरकार नूं सोच लेना चाहीदा है वी जिन्हां योधियां ने नहर नहीं लंघण दित्ती ना हुण लंघण देनी आ, वह तैनू खेतों में बिल्कुल नहीं बढ़ देंगे ना तैनू खेतों आन देंगे। इतने वड वडांगा शुरू हो जाना होर 15 दिन ताणी जिमीदारा ने वेले हो जाना कणकां बीज के, असी दिन रात ऐसी रेलवे ते बैठना है। मोदी सरकार अपना फैसला वापस ले लवे नहीं आने वाला टाइम खराब होगा। ये जो रिलायंस के मॉल ने जां रिलायंस के पंप ने यह अडानिया अबानिया ने है, अडानिया अबानिया ने जिहड़ा मोदी सरकार बकाऊ है वह खरीद लिया है, इस करके उन्हें काले कानून बनाए हैं। असी इस लगे करके बंद कर रहे हैं कि कंपनियां समझ जान, अडानी अबानी ये गल समझ जान कि जब साढ़े मॉल और साढ़े पंप नहीं चलन देते पंजाब के लोग सानू अपनी जमीन पर पैर किवें पाउण देणगे। सो इस करके असी अज्ज बंद किए हैं। सोलखिया का टोल प्लाजा बंद पे है, आ रिलायंस का मॉल बंद पे है। असी कल रिलायंस का पंप है इतने नंगर रोड से, उन्होंने असी वार्निंग दे दी है कि इन्हू बंद कर दे नहीं नफे नुकसान का चूमे चू जिम्मेवार होएगा। जानते हो असी तुहाडे भी धन्नवादी हाँ, जिहड़े सोशल मीडिया वाले जो पंजाब दे विच अपना वर्क करते हो अपनी ड्यूटी सही निभाते हो, साडी आवाज उस बोली संता सरकार तक पहुँचा रहे हो। ये असी तां बंद किया भी जिहड़ी बोली सरकार है वह सुने नहीं रही मोदी सरकार केंद्र की, भी जिहड़ियां किसान मारू नीतियां ने, किसान ही पंजाब दा आवाम मारू नीतियां ने जिहड़ियां वह लागू कर रही है। असी उस दे रोस वजों ये अपना जो प्रोटेस्ट है, जो अपना रोस है किसी भी तरीके ना, जो सानू चंगा लगता है, जो साड़ियां जथेबंदियां वालों किसान संस्थाओं किसान यूनियन वालों कॉल दी गई है भी जो यह केंद्र सरकार दी जिस तरह भी चाहे अबानी अडानी नाल मिली भुगत संस्थावां चलदियां हैं उन्हां दा जिहड़ा यह सोर्स है पैसे का, यह किसी ना किसी तरीके बंद करके इन लोगों नूं सट मारी जाए, इन्हों जगाया जाए, क्योंकि ये जिहड़े हाकम लोग हैं जरवाणे ये सुते पए एक गाफलताई दी नींद दे विच, इन्हां नूं पता नहीं लग रहा भी नीचे क्या हो रहा जमीन के उत्ते, किस तरह लोग मर रहे हैं, किस तरह मजदूर मर रहा, किस तरह किसान मर रहा, इन्हां लोगों नूं पता ही नहीं लग रहा। सो असी अपनी टोल प्लाजे के हालात बिल्कुल ही पीसफुल हैं, बहुत वधिया, क्योंकि किसी भी तरीके किसी भी सवारी किसी भी जो व्हीकल को कोई भी परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि साढ़े जो सेवादार हैं वर्कर हैं नाल दी अपना यही प्रोटेक्ट है परची सिस्टम बंद करके आवाजाई बहुत सही ढंग के नाल इतों लंघा रहे हैं। अते जो भी अगे वीर फैसला होगा किसान जथेबंदियों का फैसला होगा उस मुताबक ये लंबा भी चल सकता, जिस तरह भी वीर अगर फैसला होगा भी अज थोड़ा टाइम करना होया शायद आने वाले भविख ज़्यादा भी लाना पै गया 2-4 दिन हफ्ता भी वह भी असी करांगे जे सरकार साडियां मंगा ना मनिया जे सरकार ना जागी। मुद्दा है जी बेसिकली की जी जे कोई जी रोज़ का साडा ये कहते पंप रोक रिलायंस पंप उत्ते साडा धरना चलता सी, टोल रोकने का कारण असी किसी बंदे परेशानी बचाना चाहते, टोल की पर्ची माफ कराई हुई है, होर कोई गल नहीं, टोल रोक के साडा ये है भी जोड़े बड़े बड़े कारपोरेट घराने इन्हों ये मोदी के खा ने सब सिस्टम भी उन्होंने तक ये खबर जाए भी ये जाए जे बंद हो गया जे रिलायंस का पंप बंद होंगे तो कितना कितने सेक जाके BJP सरकार सेंटरी सरकार लगेगा ता जो साडा हल हो सके। असं चाहते साडा हल हो साडी कोई सुननी भी इन्हें हाल की घड़ी BJP वाले बयान दे जाने भी करांगे जथेबंदियों नाल गल करांगे करांगे, पर हाल की घड़ी किसी ना कोई गलबात नहीं हो रही। टोल रोकने का मेन मकसद किसी को परेशानी पहुँचाना नहीं है, मेन मकसद टोल का कि एक गूंगी बोली सेंटरी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाउणी। हाँ जी, तो टोल प्लाजा उदा ही
चल रहा है, परची बंद हुई हुई है, परची नहीं कट रहे, आम लोग लंघ रहे हैं, परची असी बंद की हुई है ता जो जो बिजनेसमैन लोगों को पता लग सके भी जो सेक है किसान के घर तक पहुँचे भी ना ये साड़ी जथेबंद का साथ नहीं दे रहे, ये जोड़ा सेक है इत तक पहुँचना ता ही साड़ी गल सुन ली। रूपनगर तो जतेंद्रपाल सिंह कलेर की खास रिपोर्ट।